हेलो, इस वक्त आप मेरे साथ हैं संगीता घोष, बट मैं इस वक्त मैं संगीता घोष नहीं हूँ, मैं हूँ शाचनी, पिशाचनी। और मैं उस घर में आपको लेके जाने वाली हूँ जहाँ पर मैं सारे जाल बिखेरने वाली हूँ और लोगों को बहुत तंग करने वाली हूँ और मेरा खेल खेलने वाली हूँ। तो प्लीज कम, वेलकम टू शेरगिल हाउस। आइए आइए, ले जाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये घर देख सकते हैं आप कितना बड़ा और कितना सुंदर है। खैर, ये लोग इतना सुंदर डिजर्व तो नहीं करते हैं, पर लेट इट बी। अब मुझे भी यहाँ कुछ दिन रहना है तो लेट देम लिव हैप्पीली। ये है इनका इतना सुंदर सा बड़ा सा लिविंग रूम। इतने सारे बहुत लोग हैं इस घर में, तो हाँ इतने सारे कुर्सियों के और बैठने की जगह चाहिए। एक तो मेरा पसंदीदा कलर है मरून, मरून। आई लव डार्क कलर्स। कम कम कम, नाउ आई विल शो यू सम मोर। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है, इस पे सर पे ये लैम्प, ये मुझे बहुत पसंद है। नाइस हॉर्सी। चलो चलते हैं यहाँ से। अभी क्या है ना, एज शाचिनी मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कभी भी उड़ के पहुँच जाती हूँ। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा मुझे चलना पड़ रहा है, थोड़ी वॉकिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर आम लोग बैठ के खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हैं। सिली पीपल, बेवकूफ़, कितने कैलोरीज कंज्यूम करते हैं पता नहीं, इनको इतना भी होश नहीं है। हवा खाओ, हवा खाओ, हवा खाओ। चलो आओ, ले जाती हूँ एक और जगह आपको। हाँ, काश मैं शाचिनी, मुझे तो मतलब ये लोग सब चीज़ के लिए यहाँ से वहाँ जाने के लिए इनको गाड़ियाँ चाहिए होती है, मैं तो उड़ के पहुँच जाती हूँ। मेरे पास ऐसे वाले पावर्स हैं। अभी एक के कमरे में ले जा रही हूँ मैं आपको, वो मेरे गुरु की बेटी है। हालांकि अपने आप को सती सावित्री माता जी मानती है, लेकिन मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। वो इतना ज़्यादा गुडी गुडी है ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है। आइए, आ गया ये माता जी का सादा सा बेडरूम। आइए देखिए महिमा जी, हमारी गुरु जी की बेटी जी का बेडरूम। देखो कलर्स भी कैसे डल से कलर्स हैं एकदम। अब अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि अब मैं हूँ इस बेडरूम में। पर मुझे ये बेडरूम पसंद नहीं है, मुझे तो कोई और बेडरूम पसंद है। चलो वहाँ भी ले जाऊँगी थोड़ी देर में। ओ कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर। कम, मैं आपको लेके जाती हूँ। आह, स्विमिंग पूल, नाइस एरिया, रिक्रिएशन, सेक्सी, ग्लैमरस। कम कम कम, स्विमिंग पूल वाले एरिया में चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारी लव स्टोरीज भी तो होती है। स्विमिंग पूल में गोते खाते खाते लोग आपस में प्यार में भी पड़ जाते हैं। देखिए ये नॉर्मल लोग। आइए आइए, ये है हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ पर लड़कियाँ स्विम करती हैं। आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर लड़कियाँ मछलियों की तरह तैरती हुई यहाँ पर। आइए, कम ऑन, लेट्स गो नाउ। हाँ, स्विमिंग पूल से बच के गिर जाए तो मैं आज उठाने नहीं आऊँगी, मेरा मूड नहीं है। चलिए अभी आपको एक खास कमरे में ले चलती हूँ, दिव्य और दृष्टि के कमरे में। ये गेस्ट रूम है, पर मेन बेडरूम से भी बड़ा गेस्ट रूम, बेवकूफ लोग। वैसे कल को ये कमरा मेरा भी हो सकता है। प्यार से आइएगा ज़रा अंदर। लाला चरा, लुक एट दिस रूम, आई लव इट। झूमर को देखिए कितना खूबसूरत है। आ हा हा, गोल्ड एंड इट्स सो ब्यूटिफुली लिट। ओह आई लव इट, लुक एट द कलर्स, वाओ। ये कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो रूम तो बहुत ही बोरिंग सा था। यहाँ मुझे नींद भी बहुत अच्छी आएगी, पर फिलहाल तो वो दिव्या और दृष्टि इस रूम पे कब्जा जमाए बैठी हैं। कोई बात नहीं, कोई ना कोई खेल ज़रूर चलूँगी मैं उनको इन घर से निकालने के लिए। हाँ, थोड़ा मज़े भी तो ले लूँ मैं। ओहो, यहाँ पर क्या है, ये मछली क्यों है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। खैर, कब है तो है। ये मछली इज़ अ सिंबल, यू नो, तड़पती मछलियों की तरह इनको तड़पाऊँगी मैं।
वैसे जब मैं इस रूम पे अपना कब्ज़ा करूँगी ना, बहुत सारी चेंजेस मैं ज़रूर करूँगी इस रूम में, इसे अपना ज़रूर बनाऊँगी और तब ये और भी सुंदर लगने लगेगा। ओह बाय द वे, वहाँ पर एक और छोटा सा कमरा है, छोटा सा बिस्तर है और ये हमारे सेट का एक, इस कहानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लावण्या, ये उसका कमरा है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ से चलते हैं और जो मेन कमरा है, कमरा ऑफ द कमराज, वहाँ ले चलती हूँ। आइए, ये हमारे गुरुजी की नाती और द हैंडसम रक्षित का कमरा है। आइए, द सुव बिजनेसमैन, द ब्रूडिंग, द एवर सो सीरियस, द वन हु मीन्स बिजनेस ऑल द टाइम, चाचा। आहा, वेलकम टू रक्षित्स रूम। आइए, अब देखो इतने बड़े बेड पे अकेले कौन सोता है, अच्छा लगता है क्या? ही नीड्स अ पार्टनर इमीडिएटली। पता नहीं क्या क्या यहाँ पर, यहाँ तो क्रिकेट खेल सकते हैं, आई थिंक सो। ओह लेट मी ट्राई, ओह वाओ इट इज सो सॉफ्ट एंड नाइस, ओह वाओ रेड कलर, आई लव रेड, शाचनी लव्स रेड। मुझे लगता है दिव्या दृष्टि के कमरे से ज़्यादा मुझे ये कमरा अच्छा लग रहा है। मुझे इस कमरे के बारे में सोचना पड़ेगा अब। ओह रक्षित तो एक्सरसाइज भी करता है, वो देखिए उसके बॉक्सिंग ग्लव्स और उसका ट्रेडमिल भी है यहाँ। नाउ यू नो हाउ ही इज सो फिट, अपने आप को फिट लगता है। अब मुझसे थोड़ा लड़ना है, थोड़ा हाथापाई, थोड़ा ऐसे मेरे साथ टक्कर अगर उसको रखनी है तो थोड़ा फिट तो रखना ही पड़ेगा ना खुद को। नाउ आहा, द पंचिंग बैग, द पंचिंग बैग, द पंचिंग बैग। हाँ, इसी को पंच करते रह जाएगा, मैं तो कभी अपने आप को पंच करने का मौका ही नहीं दूंगी। और अपने आप को इतना चोट क्यों पहुंचाना जब आप मैजिक से सब कुछ कर सकते हो। उफ, ये इंसान, आई टेल यू, इनमें तो कोई समझ ही नहीं है। एंड फाइनली द रूम ऑफ द रूम्स, मेरा रूम, मेरा कमरा, इधर आइए। इसका दरवाज़ा हमारे रक्षित के क्लोज़ेट से होते हुए जाता है, सही चुना है ना मैंने, द राइट एंट्री। ला 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 ला, आ हा हा हा, क्या बात है इस कमरे की। ये मेरे कैंडल्स, आई लव कैंडल्स, और मुझे कमरा बहुत पसंद है। ये है पिशाचिनी का देवड़ी, ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हूँ, सोचती हूँ कि इन नॉर्मल इंसानों को कैसे सबक सिखाना है, इनको कैसे रास्ते पर लाना है। पर मैं अपने आप को एंटरटेन भी करती हूँ, आई एम नॉट बोरिंग, आई लव टू प्ले पियानो, एंड आई एम गुड एट इट, मैं बहुत अच्छा पियानो प्ले करती हूँ। पर मेरा पियानो इनके समझ में नहीं आता, नॉर्मल इंसान जो ठहरे। मैं खूब नाचती हूँ यहाँ पर, खूब मज़े लेती हूँ, अपना टाइम पास करती हूँ। ये देखो ये सुंदर सा शैंडेलियर, जस्ट लाइक माई लिप्स रेड, आई लव रेड। चलिए अब बहुत हो गया, अब मैं भी थोड़ी थक गई हूँ, अब मैं चलती हूँ। अब देवड़ी से बाहर जाकर थोड़ा आम लोगों को परेशान करने का वक्त आ गया है। चूलू चाचा बाय, हियर गोस पिशाचिनी।